पदं स्मादयामि धम्म सेवा धम्म सेवक। ये नया जो हम एपिसोड स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें आज हम मोतीलाल आलमचंद्र या मोतीलाल अहिरवार, साहित्यकार और तहसीलदार, वो तहसीलदार भी हैं साहित्यकार भी हैं, और बुद्ध की भाषा धम्म लिपि को पढ़ाते हैं और सिखाते हैं। वो जो धम्म की सेवा कर रहे हैं उसके बारे में हम आज यहाँ जिक्र कर रहे हैं। दरअसल जितने भी धम्म की सेवा करने वाले और धम्म की जो सेवक हैं उनका एक एक करके जो भी आपके काम के हैं उन लोगों को हम यहाँ इंट्रोड्यूस कराएंगे, उनके बारे में बताएंगे, उनके फ़ोन नंबर भी देंगे, उनका एड्रेस भी देंगे, ताकि आपको अगर कुछ सीखना है तो उनसे सीधे आप फ़ोन करके सीख सकते हैं। और आपको अगर धम्म सेवा करनी है या धम्म सेवक बनना है तो आपको सिर्फ इतना करना है कि जो धम्म की सामग्री है, जैसे मैं वीडियो धम्म की बनाता हूँ, तो आप इन वीडियोज़ को अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड कीजिए, थोड़ा आगे बढ़ाइए। कोई दिक्कत आती है तो लिख के पूछ लीजिए कि ये दिक्कत आ रही है, ये कैसे होगी, या ये जो धमकी वीडियोस हैं या जो धमकी पोस्ट है इनको शेयर कीजिए, इनको लोगों को गिफ्ट कीजिए, या इनको सेव करके रख लीजिए, जब आपको अपने बच्चों को सुनानी हो तो सुनाइए। इसमें जो हम सिखा रहे हैं आज के समय कि पाली पढ़ो और पाली पढ़ना सीखो, वो बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। इससे बच्चे खेल खेल में पाली सीख जाएंगे। बच्चों को चाहिए कि वो अपने वीडियोस बना बना के डालें, अपनी आवाज़ में गाएं और अपनी आवाज़ में सीखें इसको। तो धम्म की सेवा जैसे आप कर सकते हैं आपकी इच्छा है, और बाकी आप जो सेवा लेना चाहें उसके लिए ये एपिसोड है। मोतीलाल आलमचंद्र तहसीलदार भोपाल मध्य प्रदेश में हैं, साहित्यकार हैं, 4 किताबें उनकी आ चुकी हैं। 3 किताबों का सिर्फ मैं आपको यहाँ फोटो दे रहा हूँ, 4थी किताब का मैं जिक्र करूँगा। उसका नाम है सांची दानंग। सांची दानंग, सांची बहुत बड़ा स्तूप है मध्य प्रदेश के अंदर, और सांची के नाम से जाना जाता है, वर्ल्ड हेरिटेज है। वहाँ आप जरूर जाइए, वहाँ जाके देखिए कि वो कितना बड़ा स्तूप है, कितना खूबसूरत है। जो पत्थरों पे सम्राट अशोक ने जितनी भी भाषा लिखवाई, लिपि लिखवाई, उसको धम्म लिपि बोलते हैं। यानी धम्म लिखवाया और धम्म लिखवाने के बाद उस लिपि का नाम धम्म लिपि पड़ा। उसको बुद्ध की भाषा की पहली लिपि भी बोल सकते हैं। वो सारी के सारी बहुत सिंपल और बहुत अच्छे हैं। आप 10 वीडियो में सीख सकते हैं, 5 में सीख सकते हैं, और आपकी जिज्ञासा है तो आप मात्र 2 वीडियो में भी भाषा को सीख सकते हैं, मात्र 2 दिन के अंदर 2 वीडियो में। क्योंकि जो मोतीलाल जी हैं उन्होंने बहुत सरल और सिंपल वीडियोस बनाए हुए हैं। एक वीडियो मैं यहाँ उनका अटैच कर रहा हूँ जो आप देख सकते हैं, बाकी उनके चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अगर आपको आवश्यकता हो तो आप उनसे सीधे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वो जो सिखाते हैं उसमें आपको कोई दिक्कत आती है तो आप फ़ोन करके उनसे सीख सकते हैं। जो सांची दानंग किताब है वो धम्म लिपि सिखाती है, तो धम्म लिपि सीखने के लिए आप सांची दानंग किताब को उनसे फ़ोन नंबर पर मंगाइए, या उसका एड्रेस मैं यहाँ देता हूँ, आप एड्रेस से मंगा लीजिए, तो आप धम्म लिपि सीखिए और सिखाइए। दरअसल ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आप जब भी ये हजारों पत्थर जो बिखरे हुए हैं जगह जगह, या जिनके फोटो इंटरनेट पे हैं, जब आप उसमें देखेंगे तो आपको ताज्जुब होगा कि वो कितनी सरल भाषा में सम्राट अशोक ने भगवान बुद्ध को लिखवाया है और अपने राजकाज को लिखवाया है। आप उस धम्म लिपि में अपना नाम भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ मेरा नाम लिखा हुआ है, टीम 22 का नाम लिखा हुआ है, और जो ये लेखक हैं ये मोतीलाल आलमचंद जी, उनका भी लिखा हुआ है। तो ये पूरा धम्म लिपि में बड़ा आसान है। धम्म लिपि का फॉन्ट भी आ गया है, आप अपने मोबाइल में और आप अपने कंप्यूटर में इसके फॉन्ट को चला सकते हैं। धम्म लिपि का फॉन्ट के लिए आप चाहें तो तहसीलदार साहब को फ़ोन कर सकते हैं, वो आपको व्हाट्सएप पे भेज देंगे, या कोई ना कोई लिंक आपको मिल जाएगा। इससे आप अपनी जो पोस्ट हैं उनको धम्म लिपि में बना सकते हैं। कुछ लोगों ने बनानी भी आरंभ कर दी है। इस प्रकार आप जो धम्म लिपि है उसको बैठे बैठे मजाक मजाक में, खेल खेल में, हंसी हंसी में सीख जाएंगे, सिर्फ ऐसे करके कि सबसे पहले आप अपना नाम लिखें। कुछ अलग से नहीं है, के खे गे को किस तरह से पहले लिखते थे बस वो बदला हुआ है। यानी के को कैसे लिखते थे, से को कैसे लिखते थे, चे को कैसे, वो जो अक्षर है, अक्षरों की जो शेप है वो अलग है, बाकी कुछ अलग नहीं है। ऐसा नहीं है कि उनका जो मतलब है कुछ और है, लिखा वो पाली में गया है। पाली बहुत सरल भाषा है और जो हिंदी है वही पाली है, तो घबराने की आवश्यकता है नहीं। आप जो बोलते हैं, चाहे गुजराती है, चाहे मराठी है, चाहे राजस्थानी है या मारवाड़ी है, चाहे वो हिंदी है या पंजाबी है, ये सारी भाषाएं जितनी भी हैं ये सारी की सारी पाली ही हैं। ये पाली भाषा ही हम पहले बोलते थे, तब इसका नाम पाली नहीं था, तब मगधी था, अशोकी था, धम्म की भाषा थी, अशोक की भाषा थी, तो ये भाषा कौशली भाषा थी। भाषा आते 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 अभी कुछ समय पहले से इसका नाम हिंदी पड़ा हुआ है,
कोई अंतर नहीं है। इसमें आप बेखौफ होके बिना डरे ये सोच के कि हम हिंदी ही पढ़ रहे हैं, इस धम्म लिपि को सीखें, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आप इनसे मिलिए, ये धम्म सेवक हैं, धम्म की सेवा करते हैं। आप अगर इनकी क्लास लेना चाहें तो क्लास के लिए अगर 10-20-30-40 स्टूडेंट इकट्ठे हो जाते हैं तो वहाँ जा भी सकते हैं और वो आपके पास आ भी सकते हैं, जब भी छुट्टी वगैरह होगी या जैसा उनका मिलना जुलना होगा आप उनसे संपर्क करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको धम्म लिपि की वर्णमाला से परिचय करवाएंगे। धम्म लिपि सम्राट अशोक के शासनकाल में इजाद की गई लिपि है। सम्राट अशोक के पूर्व भाषाएं तो थी लेकिन लेखन शैली विकसित नहीं हुई थी। लेखन का पुख्ता प्रमाण हमें सम्राट अशोक के काल से ही, सम्राट अशोक के शासनकाल से ही हमको देखने को मिलता है। सम्राट अशोक के शासनकाल में हमें ढेरों अभिलेख भारतवर्ष में प्राप्त हुए हैं। भारतवर्ष में समस्त अभिलेख सम्राट अशोक ने धम्म लिपि में लिखवाए हैं। धम्म लिपि ही भारत की सबसे प्राचीन पठनीय लिपि है और धम्म लिपि ही भारतीय मूल की समस्त भाषाओं की लिपियों की जननी भी है। वर्तमान भाषाओं की लिपियां, तमाम लिपियां इसी लिपि से निकली हैं, इसी धम्म लिपि से निकली है। इसलिए मैं इस लिपि को मदर स्क्रिप्ट कहता हूं, मां कहता हूं, भारतीय लिपियों की मां है, जननी है। आइए दोस्तों हम इस लिपि को पढ़ते हैं। धम्म लिपि वर्णमाला आ आ ई ई ऊ ऊ ए आई ओ औ अं का खा गा घा इंगा चा छा जा झा या टा ठा डा ढा ड़ा ता था दा धा ना पा फा बा भा मा या रा ला वा सा हा रा। धम्म लिपि में सम्राट अशोक के अभिलेखों में केवल स्रोते वाला सा अधिकांश का प्रयोग किया गया है। सीटी वाला सा और षटकोण वाले सा का प्रयोग ना के बराबर मिलता है, अर्थात सा मूलतः स्रोते वाला सा प्रयोग होता था। ये दोनों तालव्य सा और मूर्धन्य सा दोनों बाद में संस्कारित किए गए हैं। इसी प्रकार धम्म लिपि में 8 स्वर हैं, ये आई और औ बाद में संस्कारित किए हुए हैं, इसलिए यह स्वरों की संख्या आई और औ को मिलाकर 10 हो जाती है। अंग प्राकृतिक या पाली में इसे व्यंजन में गिना जाता है, जबकि हिंदी या भारूपी भाषा परिवार में इसको अनुस्वर में गिना जाता है, इसलिए अनुस्वर को भी मिलाकर यहां पर 11 स्वर और एक निहिता मिलाकर 11 अक्षर होते हैं। इसलिए 11 खड़ी इस धम्म लिपि में हमने बनाई है। 11 खड़ी या मात्रा किस प्रकार लगाई जाएंगी, मैंने यहां पर 11 सर्किल बनाए हुए हैं। सर्किल को आप एक लेटर से पहचान सकते हैं, इसे आप ठा मान सकते हैं या डॉट बीच में रख देंगे था हो जाएगा। इसको सिर्फ हम मात्रा लगाने का तरीका किस प्रकार है वह हम जानेंगे। देखिए दोस्तों, का नीचे का है, पहले मात्रा पढ़ते हैं। आ आ ई ई ऊ ऊ ए आई ओ औ अं, इस प्रकार ये मात्रा हमने ऊपर लगाई है। ऊ और बड़ों की मात्रा नीचे है अक्षर के और शेष मात्राएं अक्षर के ऊपर लगाई जाती हैं। इस प्रकार हम अब एक व्यंजन लेंगे, व्यंजन में मात्रा किस प्रकार लगाई जाएंगी देखिए दोस्तों। का 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 में ऊपर मात्रा लगाई गई है। की में ऊपर एक छोटी मात्रा, बड़ी की में बड़ी की बड़ी ई की मात्रा। का छोटाओं की मात्रा कु, का बड़ाओं की मात्रा कू, का एक ही मात्रा के,
का आई की मात्रा कई, का ओ की मात्रा कऊ, का औ की मात्रा कऊ, का अं की मात्रा कंग। इस प्रकार आप 11 कड़ी में मात्रा किस प्रकार लगाई जाएंगी, आप यहां पर दिए गए इस छोटे से चार्ट से आसानी से सीख सकते हैं। धम्म लिपि के लिए सीखने के लिए इतनी सामग्री पर्याप्त है। इस प्रकार का की जगह आप दूसरा व्यंजन भी लिख सकते हैं, मात्रा चढ़ाने का तरीका यही रहेगा। केवल जो सम्राट अशोक के अभिलेखों में हमें एक चीज और देखने को मिलती है, जो अक्षर नीचे गोलाई लिए हुए खत्म होते हैं, गोलाई लिए हुए हैं, जैसे था है, ठा है, टा भी है, इस प्रकार और भी अक्षर है, बाज नीचे गोलाई लिए खत्म हो रहा है, वहां पर एल नुमा उ की मात्रा या औ की मात्रा उ या बड़ऊ की मात्रा न लगाकर एक सीधा नीचे डंडी भी खींच सकते हैं, जो ऊ की मात्रा या दो डंडी खींची तो बड़ऊ की मात्रा को प्रदर्शित करता है, या एल नुमा भी मात्रा लगा सकते हैं। जनरली सम्राट अशोक के अभिलेखों में इस प्रकार मात्रा लगाई गई है, इसलिए मैंने आपको इस प्रकार बताया है। दोस्तों इसको आप बड़े आराम से सीख सकते हैं, बहुत ही सहज, बहुत ही सरल और बहुत ही वैज्ञानिक लिपि है। इस लिपि को सीखने के लिए आप मुश्किल से 10 से 15 दिन इसको बार बार प्रैक्टिस करें। इसको प्रैक्टिस करने के बाद इसकी स्वर प्रैक्टिस करते समय स्वर व्यंजन मात्रा चढ़ाने का तरीका और 11 खड़ी की इसकी प्रैक्टिस करिए, स्वाभाविक रूप से आप 15 दिन में लिपि लिखने लगेंगे, धम्म लिपि से आप पूरी तरह से परिचित हो जाएंगे। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। Shut up.